जहन लगाना होगा। हमारे महापुरुषों ने जो हम लोगों के लिए मनाई जा रही है इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के दर्जनों देशों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ये जयंती मनाई जा रही है। वो इसलिए मनाई जा रही है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा हैं जब वहाँ थे उस समय कोलंबिया विश्वविद्यालय जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वहां डिग्री हासिल की थी तो वहां पर 300 वर्षों का शोध हुआ। उन 300 वर्षों के शोध में जितने भी वहां से विद्यार्थी पढ़े थे उसमें से 6 ऐसे व्यक्ति थे जो वहां से बहुत ही बड़े विद्वान थे। उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उन 6 विद्वानों में से नंबर 1 के विद्वान थे और बराक ओबामा ने कोलंबिया विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के सामने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगवाया और उसका अनावरण किया। अनावरण करते हुए बराक ओबामा ने कहा था कि मुझे इस बात का गर्व है कि कोलंबिया विश्वविद्यालय का छात्र डॉक्टर अंबेडकर को भारत जैसे विशाल देश का संविधान बनाने का मौका मिला है। मुझे इस बात का गर्व है। भारत में पैदा ना होकर के वो अमेरिका में होता तो अमेरिका के लोग चांद और सूरज की तरह उनकी पूजा करते और बराक ओबामा ने उनको सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि से विभूषित किया कि इनके जैसा विद्वान कोई दुनिया में नहीं है। आप तमाम लोग हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक वर्ग जाति धर्म के लिए नहीं बल्कि उन्होंने इस देश में समता मूलक समाज बनाना चाहते थे, भाईचारा लोगों के बीच में कायम हो सके इस तरह का वो समाज बनाना चाहते थे और संविधान के अंतर्गत जो उन्होंने धर्म पंथ की बात